हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। हमारी आज की रेसिपी है मिसल पाव। ये मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड है। मिसल पाव के लिए मटकी का दाल लेना है, जो कि भीगा हुआ व अंकुरित होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बोल के करीब मटकी का दाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे छोले, जो कि भीगे हुए हैं। हमको इस छोले ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, 20 से 30 दाने ही यूज़ करने हैं। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक मीडियम साइज़ की प्याज है ये। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और 2 से 3 कप पानी डालकर इनको सीटी आने तक पका लेंगे। ध्यान रखें कि इनको 2 या 3 सीटी में ही गैस को ऑफ कर दें, ज़्यादा पका देने से आपके दाल ख़राब हो जाएंगे। मिसल पाव बनाने के लिए हमें 2 बॉयल्ड आलू की ज़रूरत है, जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। ये मीडियम साइज़ के हैं, इनको छील के मैश करके हम एक साइड रख देंगे। जब तक हमारे दाल पक रहे हैं, तब तक हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए तेल, जहाँ जो कि मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे राई। राई चटक जाने के बाद इसमें हम करी पत्ता ऐड करेंगे और फिर बारीक कटा हुआ प्याज डाल के भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज भून रहा है, तब तक हम एक मिक्सर जार में एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। अब इनको मिक्सर में हमको फाइन पेस्ट बनाना है। हमारा प्याज भी ब्राउन हो गया है और इसमें हम ये पूरी डाल देंगे और इनको भी फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है, तब तक हम एक मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और इसमें इनको भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें कि प्याज को बीच बीच में चलाते रहें, जले नहीं। जब देखिए कि हमारा प्याज भून के तैयार है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी और इनको भी पका लेंगे, जब तक ये अच्छे से पक न जाए। तो देखने में कैसी लग रही है हमारी ये मिसल पाव की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक हमारा टमाटर भून के तैयार हो रहा है, तब तक हम इनको मसाले बता देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मिसल पाव मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर और साथ में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब यूज़ किया है, क्योंकि ये स्पाइसी होना चाहिए। आप चाहे तो इनकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। अब इसमें हम पके हुए दाल को ऐड कर देंगे और पानी डाल के इनको मिक्स करके अच्छे से पका देंगे। अब इस पर से हम जो मैश किया हुआ बॉयल्ड आलू रखा था वो ऐड कर देंगे, साथ में नमक डाल देंगे। याद रखिए, नमक मैंने पहले भी दाल में डाल के बॉयल किया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। सब्जियों को अच्छे से बॉयल होने के बाद आप इनको सर्व करें पाव के साथ और साथ में किसी भी नमकीन के साथ जो आप पसंद करते हैं, या फिर सैलड के साथ। तो आप सब अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो कैसी लगी हमारी ये आज की रेसिपी, कमेंट करना ना भूलें। और भी ऐसे ही इजी और क्विक रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।